दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार मैं कहां पर आ गया हूं। आप यहां पर देख सकते हैं मेरे साथ भैया बैठे हैं और इनका व्लॉग हमने पहले भी शूट किया है, लेकिन आज मैं इनकी शॉप पर नहीं आया हूं। आज मैं आया हूं इनके गेमिंग कैफ़े, गेमिंग पार्लर, आप कुछ भी कह सकते हैं। और उत्तम नगर में भैया की शॉप है जिनका हमने पहले भी व्लॉग बनाया है और आपने बहुत पसंद किया उस व्लॉग को। तो आप लोगों की भी डिमांड थी कि भैया क्या नया लेकर आ रहे हैं अपनी शॉप पर, तो उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी देनी थी। साथ ही बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि जो भी इनका गेमिंग पार्लर है, गेमिंग कैफ़े है, उसके बारे में भी बताएं। तो आज यहाँ पर आप लोगों ने जो भी लुक देखा है ये भैया की शॉप के बराबर में ही है, तो इस बारे में भी हम पहले बात करेंगे भैया से कि क्या सोचकर इन्होंने गेमिंग कैफ़े बनाया है और क्या प्राइस रखा हुआ है यहाँ पर, कि आप लोग अगर आसपास रहते हैं उत्तम नगर के तो आप आकर खेल सकें भैया के पास कोई भी नई गेम। और इसके अलावा अभी आपको पता है साइबर पंक 2077 आने वाली है, या आने वाली मैं क्या कहूँ, रिलीज़ हो चुकी है ऑलरेडी, तो उसका क्या प्राइस है भैया के पास अगर आप होम डिलीवरी कराना चाहते हैं या परचेस करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी, और सारे भाइयों को नमस्कार है मेरी तरफ से, जो भी नमोकार्ड चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं सबसे पहले तो थैंक यू। अच्छा आप ये बताइए, जो पहला आपका वीडियो हमने बनाया कैसा रिस्पांस रहा आपका? सर बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस था। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि नहीं यार, मतलब बनवाने के बाद कुछ किसी भी तरह से डीमेरिट रहा हो? नहीं सर, पूरे भारत में जितने गेमर हैं मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सारे आप ही के ही हैं। अच्छा, हाँ जी, चलिए यार शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और भैया मैं जानना चाहता हूँ कि अब ये जो साइबर पंक 2077 आ रही है, इसमें लोगों का क्या क्रेज देख रहे हैं आप? लोगों का क्रेज बहुत है कि इस गेम को चाहते हैं कि जिस दिन आए उसी दिन ही हम खेलें, और अपने पास जिस दिन ये रिलीज़ हो रही है उसी दिन ही अवेलेबल हो जाएगी बहुत ही बेस्ट प्राइस रेट पे। तो जैसे आज 10 दिसंबर है, तो अब जो भी लोग आपको अगर ऑर्डर कराना चाहें तो आप उनके पास डिलीवरी करा देंगे? हाँ जी बिल्कुल, डिलीवरी करा देंगे। ओके, तो भैया पीछे से अभी जैसा आप बता रहे थे कि थोड़ा सा शॉर्टेज भी चल रही है, तो उस हिसाब से अब इस वाले में भी डिस्काउंट, जैसे आपने पिछली बार बताया था 10-15% रहता है हर नई गेम पर, तो इसमें क्या डिस्काउंट रहेगा? इसमें भी सर देखो गेम के ऊपर है कि क्या कितना हमें पीछे से डिस्काउंट आ रहा है कितना नहीं, और हम चाहेंगे कि कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट दे पाए। मतलब जैसे और अदर शॉपकीपर जो रेट पर प्रोवाइड कराएंगे उससे बेस्ट प्राइस आपका बेस्ट ही मिलेगा मेरे पास, पहले भी सब कुछ बेस्ट पे ही था तो आगे भी बेस्ट पे ही देंगे। ओके, और भैया आपकी उस वाले डील की बहुत चर्चा थी जो आपने दिवाली का पैकेज निकाला था बंडल, तो अब वो भी आप अवेलेबल करा देंगे या कुछ है उसमें? सर वो दिवाली के लिए था, बाकी अब देखते हैं न्यू ईयर के लिए कुछ ना कुछ तो निकालेंगे ही हम। न्यू ईयर के लिए दोस्तों आपके लिए एक और सेपरेट वीडियो आएगा। इसके अलावा दोस्तों और भी गेम्स अगर आप कोई परचेस करना चाहते हैं, PS4 का टाइटल, अच्छा अभी PS5 की फिजिकल डिस्क अवेलेबल हो रही है मार्केट में? नहीं अभी PS5 की नहीं है, लेकिन PS4 की जो है वो PS5 में भी रन करेंगी सारी। हाँ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी तो दोस्तों आप जानते ही हैं। इसके अलावा PS5 का क्या सीन है, मतलब अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में PS5 किसी भी शॉप पर रखा हुआ नहीं दिखाई देता, क्या रीज़न है उसका? सर क्योंकि अभी रेट नहीं है कंपनी का, बाहर से इम्पोर्टेड पीस आ रहे हैं जिसके सब अपने मुँह मांगे रेट मांग रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक करके कोई अपने काउंटर पर तो रखेगा नहीं। तो अभी भी इतना महंगा क्यों मतलब लोग सेल कर रहे हैं? जैसे मैंने देखा कि 90,000 कोई 95, कोई 1,00,000 रुपये ही बोलता है। अगर आपसे अगर कोई मंगाना चाहे इम्पोर्टेड PS5 तो क्या आप उन्हें बेस्ट प्राइस दे सकेंगे? सर अभी मेरे को खुद ही पीछे से ही महंगा आ रहा है, क्योंकि पीछे से महंगा आ रहा है तो यहाँ लोग बाग महंगा बेच रहे हैं, बाकी लोगों से बनता नहीं है कि सब लोग अभी PS5 को यूज़ करें, इतना महंगा लें, कंपनी को रिलीज करने दो, जो भी कंपनी का रेट होगा उस रेट पे ले लेना, एक दो महीना और वेट करो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंडिया में कब तक आ जाएगा PS5? ये भी सवाल सबसे ज़्यादा पूछते हैं लोग। जनवरी तक आ जाना चाहिए, जनवरी लास्ट में या फरवरी स्टार्टिंग में, जहाँ तक हमें सुनने में आ रहा है, कंफर्म नहीं हूँ मैं भी। Okay. लेकिन तब तक आ जाएगा जनवरी या फरवरी तक फरवरी मान लो आप। अच्छा फरवरी मतलब मैक्सिमम कहकर चले, तो दोस्तों एक तरह से 2 महीने तो और आप कह सकते हैं, अब दिसंबर क्योंकि लग ही चुका है और उसमें भी 10 दिन निकल चुके हैं लगभग, तो आप आराम से जनवरी तक और वेट कर लेना, और उसके बाद फिर आपको 50,000 रुपये पर अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा उस टाइम पर जो MRP होगा क्या उसमें भी आप डिस्काउंट कुछ देंगे लोगों को? बिल्कुल, जितना हमें पीछे से आता है उतना हम डिस्काउंट कस्टमर को जरूर देंगे। दे देंगे, हाँ जी। अच्छा आपके पास जैसे अभी PS4 स्लिम और प्रो में भी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है, हाँ जी। तो अगर कोई लेना चाहता है तो अभी आप अवेलेबल करा देंगे? हाँ जी, PS4 मिल जाएगा अभी अपने पास, विदाउट बिल मिल जाएगा हमारे पास, जो अभी स्टॉक में अवेलेबल है वो मिल जाएगा कस्टमर को 22,000 रुपये का, 1TB स्लिम। 1TB स्लिम 22,000 रुपये का? हाँ जी। तो ये गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट की भैया बात कर रहे हैं, जिसमें 1 कंट्रोलर आपको साथ मिलता है, और ये 22,000 रुपीस में भैया आपको प्रोवाइड करा देंगे, और ये इम्पोर्टेड पीस है। अच्छा भैया ये सारे जो पीस होते हैं ये सब दुबई से इम्पोर्ट होते हैं कहाँ से? हाँ जी, कुछ दुबई से इम्पोर्ट होते हैं, कुछ चाइना से इम्पोर्ट, मतलब यूरोपियन है सारे यूरोपियन है।
अच्छा, आज तक कभी कोई कंप्लेंट वाली बात कभी तो नहीं, कोई कंप्लेंट वाली बात नहीं है, क्योंकि सोनी का ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है, सोनी का ओरिजिनल। हाँ, कोई लोकल प्रोडक्ट तो है नहीं है कि कोई कंप्लेंट आएगी। और बाकी किसी पीस में छुटमुट कोई कंप्लेंट आ भी जाती है तो उसको हम देख लेते हैं, एक साल की हम अपने खुद काउंटर से कस्टमर को गारंटी दे देते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से यूज करो। एक तरह से ये भी कहा जाए तो ये इम्पोर्टेड वाला भी आप विद बिल बनाकर ही भेज रहे हो। विदाउट बिल ही दे रहे हैं, लेकिन विद बिल वाली वारंटी देके भेज रहे हैं कि आपके आपका ट्रस्ट है एक लोगों का। हाँ, कि अगर आपके पीस में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे काउंटर से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज तक आपने जैसे सैकड़ों पीस बेचे होंगे, तो कभी कोई शिकायत आई आज तक? फिलहाल तो कोई नहीं आई, बाकी कोई एक आदि आ भी जाए तो हम देख लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये भी ट्रस्ट बहुत बड़ी बात होती है, नहीं तो नॉर्मली मैंने जितने भी शॉपकीपर से आज तक बात की है, व्लॉग बनाया है, तो लोग नहीं बोलते ये चीज़, कह देते हैं भैया आपका पीस है आप खुद देख लीजिए जो भी करना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक बात और हम करने वाले हैं भैया से, कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे LED के बारे में कि राहुल जी चीप एंड बेस्ट प्राइस पर LED हम कहाँ से परचेस करें। तो भैया LED भी परचेस कर मतलब सेल करते हैं, तो आपके पास जो LED होती है वो भी इम्पोर्टेड ही होती है? हाँ जी, इम्पोर्टेड ही होती है। तो उसमें 32 इंच का क्या रेट है आपका? 32 इंच 6,500 रुपये की है स्मार्ट, 6,500 रुपए की। हाँ, आप मतलब फुल HD LED की बात कर रहे हैं? HDMI मतलब केबल वगैरह? हाँ, HDMI केबल के पोर्ट होते हैं उसके अंदर। कितने पोर्ट होते हैं? 2 पोर्ट मिलेंगे आपको। अच्छा, और उसकी बाकी वो फुल्ली स्मार्ट होती है, मतलब उसमें कुछ भी आप जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं? हाँ जी, स्मार्ट है तो नेटफ्लिक्स, वीडियो प्राइम, आप सब कुछ चला सकते हैं उसके अंदर। अच्छा, 6,500 रुपए? 6,500 रुपए। तो उसकी भैया कुछ गारंटी वारंटी होती है? जो 6,500 रुपए की इम्पोर्टेड है उसकी फिलहाल तो कोई वारंटी नहीं है, लेकिन वो पीस चेक करा के देंगे। हाँ जी, चेक करा के देता हूँ मैं। अच्छा, और जो 42 इंच है? 42 इंची की आपको पड़ेगी 14,500 रुपए की, उसकी 1 साल की वारंटी मिलेगी आपको। अच्छा, उसकी 1 साल की मिलेगी? हाँ जी, वो भी फुल्ली स्मार्ट 4K होगी। तो वो जो वारंटी प्रोवाइड होती है वो कंपनी की तरफ से या आपकी तरफ? वो हमारी तरफ से रहती है, क्योंकि सारे इम्पोर्टेड हैं, आप बाहर तो कोई जाएगा नहीं उसको ठीक कराने। तो रिप्लेस करते हैं आप कैसे करते हैं? मतलब रिप्लेस नहीं, रिपेयर हो जाती है, अगर टूट जाए तो वो कस्टमर की ही है। अगर अंदर मदरबोर्ड उसके कोई इंटरनली अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हम रिप्लेस कर देते हैं, अंदर का जो भी पार्ट खराब होता है। अच्छा, उसको रिप्लेस कर दिया। उससे बड़ा साइज भी रखते हैं? हाँ जी, 50 इंची 55 इंची 65 75 165 सारे मिल जाएंगे। साइज सारे मिल जाएंगे? हाँ जी। तो 55 का क्या रेट होगा भैया? 55 पड़ेगी सर आपको 24,500 की। 24,500 की? हाँ जी। और उससे बड़ा जो 65 है? आज का जो रेट है वो 36,500 की। 36,500 रुपए की, मतलब इनका रेट भी थोड़ा आपस हाँ, डेली अप डाउन होता रहता है इनका रेट, मार्केट डॉलर के हिसाब से चलता है, बाहर का माल है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा भैया, चलिए इसकी गेमिंग शॉप की तो बात हमने काफी कर ली, अब मैं आपसे पूछना चाहता था कि गेमिंग पार्लर का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? गेमिंग पार्लर का आइडिया ऐसे आया कि बहुत से बच्चे हैं जो प्ले स्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, कि जिनका दिल है कि मैं भी प्ले स्टेशन पे खेलूं या PS5 आएगा PS5 पे खेलूं, तो मैंने उनके लिए एक गेम क्लब स्पेशल बनाया कि आए यहाँ पे प्ले करें, और रेट भी मैंने बहुत रिजनेबल रखे हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपके पास मतलब PS4 PS3 और PS4 Pro भी, मतलब सारे ही मॉडल एक तरह से भैया के पास रखे हुए हैं, आप लोग सारी चीज़ देख ही पा रहे होंगे। इसके साथ भैया ने VR लगाया हुआ है, मतलब VR नॉर्मली मैंने देखा है कि गेमिंग पार्लर में लोग नहीं लगाते हैं। बिल्कुल। तो मतलब VR का आइडिया कैसे आया आपके माइंड में? बस गेमिंग के साथ साथ ही आया, बच्चों की डिमांड देखे कि भैया VR भी चाहिए, वर्चुअल रियलिटी के क्या है हमें देखना है, तो उनको ये फैसिलिटी देने के लिए लगा दिया मैंने VR। अच्छा, तो VR मतलब आपके पास गेम्स वगैरह आपने तो इसकी परचेज कर रखी होंगी? जैसे बहुत गेमें परचेज कर रखी हैं इसकी। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा कौन सी चलती हैं VR की जो गेम्स? सबसे ज्यादा इसके अंदर बच्चे कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेलते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं। तो मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जैसे VR को ज्यादा यूज करने से हेडेक हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत? वो थोड़ा बच्चों के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन फिर भी मैं आधे घंटे से ऊपर इसको यूज करने नहीं देता पर बच्चे को। अच्छा अच्छा, मतलब एक टाइम में आप एक साथ आधा घंटा तक आप कंटिन्यूसली खेल सकते हैं? अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और भैया इसका क्या मतलब आपने क्या रेट रखा हुआ है? इसका मैंने 200 रुपये रखा हुआ है आधे घंटे का। अच्छा, VR का? हाँ जी। और अगर स्लिम की और इनकी बात करें? इनकी बात करते हैं तो हम 100 रुपये में कोई भी, जो अभी जैसे नई लेटेस्ट आपके स्पाइडरमैन आई है तो उनका 100 रुपीज़ रखा हुआ है। और माइल्स मोरेल्स की बात? हाँ जी। और कोई GTA या कॉल ऑफ ड्यूटी या रेड डेड रेडेम्पशन ये खेलता है तो 50 रुपये घंटे रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, मतलब 50 रुपये घंटे में आप अपनी मन मर्जी की गेम खेल सकते हैं। कोई नई गेम होती है तो आप भी समझते हैं यार 4,000 रुपये की गेम परचेस करके भैया आपको खिलाएंगे तो थोड़ा उसका एक्स्ट्रा हो जाता है। अच्छा, PS5 पर अगर कोई खेलना चाहता है, क्योंकि देखो अभी PS4 तो ठीक है बहुत सारे लोगों के नहीं है बजट में, लेकिन उससे भी ऊपर PS5 की बात आ जाती है तो बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसका हैप्टिक फीडबैक का फील लेना चाहते हैं, तो वो आप तो कब तक अवेलेबल कराएंगे अपने गेमिंग पार्लर में? जिस दिन कंपनी इंडिया में रिलीज कर देगी खुद स्टोर पे, सोनी के स्टोर पे इंडिया में अवेलेबल होगा, उस दिन यहाँ पे भी PS5 बच्चा प्ले करेगा। अच्छा, मतलब उस दिन भैया फर्स्ट PS5 यहाँ पर, मतलब सबसे पहले एक तरह से ये कह लो आप ही परचेस करने वाले हो अपनी शॉप से? हाँ जी।
बिल्कुल। तो चलो यार, ये भी एक अच्छी बात है कि आपको PS5 महीने दो महीने में भैया की शॉप पर मिल जाएगा, और इनका गेमिंग पार्लर भी है, तो आप लोग आना, एक्सपीरियंस करना। मैंने भी थोड़ा सा भैया के साथ यहाँ पर गेम खेल कर देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अच्छी बात यह कि आपने जैसा कि देखा होगा वीडियो में भी कि भैया ने हर तरह की LED को लगाया हुआ है यहाँ पर, मतलब बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा साइज आपको मिल जाएगा, बैठने की पूरी सुविधा है। और यहाँ पर जो मार्केट है भैया की, जहाँ पर शॉप है, तो वहाँ पर सभी खाने पीने की मार्केट है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह से। और हो सकता है आने वाले टाइम में भैया इसे और बड़ा करके यहाँ पर कुछ चाउमीन वाउमीन का भी वो लगा ले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन खाने, मतलब अगर कोई खाना पीना चाहता है तो वो लाकर, मतलब हाँ, अपना आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, ऑन डोर सर्विस है, अब तो स्विगी, ये जोमेटो सब है, अपना मंगाओ, आप यहाँ पे बैठ के आराम से गेम खेल भी सकते हो, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आराम से चिल करो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह से। ये आपको बेच भी रहे हैं सामान, और साथ में अगर आप खेलना चाहते हो तो खेल भी सकते हो, भैया से कॉन्टैक्ट कर लेना, सारी डिटेल नीचे दे रखी है। साइबरपंक 2077 के लिए स्पेशली मैं आप लोगों से कहूँगा, रिकमेंड करूँगा, भैया से कॉन्टैक्ट करो, जो भी गेम आप परचेज करना चाहते हो, जो साइबरपंक 2077 का एग्जैक्ट प्राइस भैया आपको देने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी आप कॉन्टैक्ट करोगे, क्योंकि फर्स्ट लोट आया है भैया के पास अभी, तो आप अगर परचेज अभी करते हो तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। तो जो भी एक उसका एक्चुअल प्राइस है वो जानने के लिए आप भैया से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। भैया टाइमिंग बता दीजिए, बहुत सारी आपने बताया था पिछली वीडियो में, आपकी भी थोड़ी सी शिकायत है कि भैया के पास रात को 12-12 एक एक बजे भी फ़ोन आ जाते हैं, तो आपकी टाइमिंग क्या है फ़ोन पिक करने की? मॉर्निंग में 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक है, उसके बाद सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ टाइम देख के फ़ोन ज़रूर करें। जी 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 दोस्तों, ये वाली चीज़ आपको भी थोड़ा ध्यान रखनी है, अगर आप ये वीडियो रात को 1 बजे प्ले कर रहे हैं तो इतने एक्साइटेड मत होइए कि आप रात को ही फ़ोन लगा दें भैया के पास। हाँ, आप ये कर सकते हैं, व्हाट्सअप भैया आपका मतलब कोई है? हाँ, व्हाट्सअप है, जो नंबर मेरा शो कर रहा हुआ है आपने, उसी पे ही व्हाट्सअप भी है, कि अगर लेट नाइट कोई मैसेज ड्रॉप करता है आप, हाँ, सुबह तो रिप्लाई, मॉर्निंग में उनको रिप्लाई मिल जाएगा, कि जो भी उनका क्वेश्चन होगा उसका आंसर मॉर्निंग में उनको मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको वीडियो पसंद आया तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।